हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं खुशनाज, प्रॉफिट टॉक में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले क्योंकि मेरे जो यूट्यूब चैनल है, मेरे जो वीडियोस है, 90% लोग देखते हैं, बट उसको 90% लोग जो है जो देखते थे वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इस बारे में आपको लोगों को मैं डिटेल्स देना चाहता हूँ कि आप लोगों को इंटरेस्ट रहेगा बदलापुर में, जो बदलापुर में जो कोई हैज ए इन्वेस्टमेंट, हैज ए प्रपोज रहने के लिए देखते हैं, तो बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा प्राइम है। थोड़ा दूर है, थोड़ा डिस्टेंस लंबा है, बट कैसा है कि वहाँ पे आप प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब आपको एक तो प्लस आपको MMRDA पासिंग भी है वहाँ पे, MMRDA रेरा अप्रूव है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा है। और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, क्योंकि सब एनिमेटीज जो है 8 to 10 एनिमेटीज है स्विमिंग। क्योंकि मैं मतलब उसका देखो, अभी लास्ट 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो एक अपलोड किया था, एक अरियन अनमोन करके एक प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। मैं एक्चुअली खुद गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा मैंने, बहुत अच्छा मुझे प्रोजेक्ट लगा, क्योंकि उसका जो व्यूज़, जो एनिमेटीज, जो पार्किंग स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को किसी को भी बदलापुर में इंटरेस्ट रहेगा प्रॉपर्टी हैज योर बजट के हिसाब से। तो बजट में आपको बता देता हूँ, 1 BHK आप देखते हैं बदलापुर वेस्ट या ईस्ट में। ज़्यादा करके मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा करके पसंद जो है आपको बदलापुर ईस्ट में। तो बदलापुर ईस्ट एंड वेस्ट में दोनों साइड अपने पास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टोटल है ना, मेरे पास जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं वहाँ पे 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे, टोटल 5 प्रोजेक्ट जो मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट मतलब हैज में चैनल पार्टनर है, मतलब वहाँ पे उनका सेल्स मार्केटिंग करता हूँ पूरा टोटल, और पूरी जो वीडियोस निकालता हूँ मैं अपलोड करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ थोड़ा, तो वो टोटल हम लोग वहाँ पे चैनल पार्टनर है। मेरी एक्चुअली वहाँ पे टीम है, मेरे एक पार्टनर है, वो सब हैंडल बदलापुर में करते हैं। मैं तो थाना साइड में ऑपरेट करता हूँ ज़्यादा करके, बदलापुर में वहाँ पे देखते तो बहुत अच्छा है। मैं तो सजेस्ट आपको वही करता कि किसी को इंटरेस्ट है बदलापुर में वहाँ पे। और बजट में आपको बता देता हूँ, देखिए बजट आप देखते हैं तो बदलापुर में कहीं पे भी आप देखते हैं, बदलापुर ईस्ट या वेस्ट में, तो अपने पास जो अवेलेबल है 20-20 lakhs 1 BHK देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, 1 BHK नहीं, चलिए मैं आपको 1 RK से शुरू करता हूँ। देखिए 1 RK आप देखते हैं तो 1 RK जो अपने पास अवेलेबल जो है एज ए एनिमिटीज के साथ जो रेरा प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो कम से कम आपको 15 lakhs से स्टार्टिंग है, 15 lakhs से लेकर 19 lakhs के बीच में आपको 1 RK में आपको फ्लैट्स जो प्रॉपर्टीज है आपको ये बजट में आ जाएगा, 15 lakhs टू 19 lakhs के बीच में। एंड आप 1 BHK देखते हैं तो 1 BHK आपको 20 lakhs से लेके 29 lakhs तक आपको 1 BHK आ जाएगा इसमें। आप कहीं पे भी बदलापुर में सर्च करो हैज अ रेरा प्रोजेक्ट MMRDA विथ एनिमिटीज के साथ, पूरा जो एनिमिटीज आपको चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, उसके हिसाब से आपको 20 lakhs से लेकर 29 lakhs के बीच में आपको आएगा जो 1 BHK का है। और आप 2 BHK देखते हैं तो 2 BHK में आप देखते हैं तो 2 BHK में आप जाएंगे तो अप्रॉक्स एक 32 lakhs से स्टार्टिंग है, ऑल इंक्लूसिव बता रहा हूँ मैं, 32 lakhs से लेकर इट इज अ 40 lakhs के आपके बीच में आपको 2 BHK, जैसा आपका कारपेट रहेगा उसके हिसाब से 40 lakhs में भी है एक्चुअली, 40 lakhs 32 से लेकर 40 lakhs के बीच में है। तो मैंने आपको ये बजट बता दिया। अभी आप लोगों को बदलापुर में इंटरेस्ट रहेगा, किसी को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना है या प्रॉपर्टीज लेना है रहने के लिए तो बहुत बेस्ट है। और वहाँ पे कैसा है, पानी का इशू नहीं है, पानी का बहुत अच्छा है वहाँ पे। जितना भी प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पे जो हम लोग ने लिया है सेलिंग के लिए या सोल सेलिंग का हम लोग का प्रोजेक्ट जो चैनल पार्टनर है, क्योंकि हम लोग ने पूरा सर्च करके पूरा टोटल करके जो हैज जो क्लाइंट लोग को या फिर कोई जो बायर है उसको क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ हम लोग ने बदलापुर में देखा है, तो बहुत अच्छा उधर रिक्वायरमेंट है। तो कुछ लोगों को एक्चुअली डिस्टेंस में देखो निगेटिव ये पॉइंट है कि वहाँ पे तो डिस्टेंस लंबा है, ट्रैवलिंग करने जाएंगे एज ए ट्रेन के हिसाब से तो डिस्टेंस लंबा है, बाय रोड भी जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाए, बट इसमें फीचर डेवलपमेंट बता देता हूँ। जो फीचर डेवलपमेंट है वहाँ पे अपना जो एक बदलापुर पनवेल जो है हाईवे आने वाला है जैसे प्रपोज में, और दूसरा जो है एक मेट्रो लाइन आ रही है, मेट्रो लाइन का भी सर्वे चालू है, वो जो डायरेक्टली कांजूर मार्ग से लेके डायरेक्ट बदलापुर साइड आने वाली है, तो वो उसका मैं बता दूंगा आपको कब अपडेट आएगा उसका। एक्चुअली उसका सिर्फ अभी प्लान चालू है कि कांजूर मार्ग से लेके बदलापुर की तरफ जो मेट्रो लाइन आ सकती है, तो ये फीचर डेवलपमेंट है वहाँ पे और बहुत अच्छा वहाँ पे प्रोजेक्ट है।
तो आप लोगों को इंटरेस्ट रहेगा प्रॉपर्टी ये जब बदलापुर में देखनी है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूँगा। मेरी टीम से वहाँ पर टीम से पूरी डिटेल्स दे देंगे तो वो आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। तो आपको इंटरेस्ट रहेगा तो ही मुझे कॉल करिए बदलापुर में, क्योंकि बदलापुर में बहुत सारे कैसे है कि इंक्वायरी आती है, आप लोग पूछते हैं बट कैसा है कि बाद में इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि उनको बोलता डिस्टेंस एक्चुअली लंबा पड़ जाता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, तो डिस्टेंस तो लंबा ही है, पहले ही आपको बता रहे डिस्टेंस लंबा है, डिस्टेंस जाना आना। हाँ, आपको बाय ट्रेन कर रहे हैं तो बाय ट्रेन अभी थोड़ा सा ट्रेन का इश्यू है, बट कैसा है ट्रेन कंटिन्यूस रहेगा तो बदलापुर इज द बेस्ट है, क्योंकि ट्रेन से आप मुंबई डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट मुंबई, क्योंकि स्टेशन के पास नियर ही बाय है, ऐसा भी नहीं लंबा 10 किलो 15 किलोमीटर है, नियर ही बाय है एकदम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 4 किलो मैक्स टू मैक्स है ना 5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा के बदलापुर में, ज़्यादा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकॉन है बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियो आपको अपडेटेड मिलते रहे। नमस्कार।